बिग बॉस OTT3 के घर से बेघर होने के बाद लवकेश कटारिया ने किए हैं बड़े खुलासे। वेल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कल बिग बॉस OTT3 का फिनाले है और हाल ही में लवकेश कटारिया को इविक्ट कर दिया गया, जिसका सोशल मीडिया पर जमकर विरोध हुआ। फैंस ने जियो सिनेमा और बिग बॉस को बॉयकॉट करने की मांग तक कर डाली, क्योंकि लवकेश कटारिया का इविक्शन बेहद अनफेयर था। घर वालों की आपसी सहमति से लवकेश कटारिया को घर से इविक्ट कर दिया गया। अब इसके बाद लवकेश कटारिया का इविक्शन के बाद पहला व्लॉग सामने आया है, जिसमें अपने इविक्शन को लेकर, बिग बॉस के गेम को लेकर और फिनाले से तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए। सबसे पहले आपको बता दें, लवकेश कटारिया इस व्लॉग में विशाल पांडे और मुन्नी से मिलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने बहुत मस्ती की और यहाँ विशाल पांडे के साथ कटारिया की दोस्ती बिग बॉस के घर के बाहर भी देखने को मिल सकती है। अब इसी में लवकेश कटारिया के दोस्त रजत दलाल, इन सब ने भी कहा कि बिग बॉस ने इसका इविक्शन करके बहुत अनफेयर किया। लवकेश कटारिया अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए नजर आए। उन्होंने फिनाले को लेकर भी कहा कि अब हम फिनाले में जाएंगे, यानी कि वो और विशाल पांडे। अपनी वैनिटी कैप से उन लोगों ने दिखाया कि किस तरह से वो फिनाले की तैयारी कर रहे हैं और इसकी वीडियोस अगले व्लॉग में शेयर करेंगे। बिग बॉस के बारे में बात करते हुए लवकेश कटारिया ने कहा कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ। जब बिग बॉस ने ये अनाउंस किया कि घर वालों की आपसी सहमति से कोई बिग बॉस के घर के बाहर जाएगा, तो मैं समझ गया था ये नाम मेरा ही होने वाला है। और 2 घंटे तक तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ट्रॉफी के इतना करीब जाकर मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। कटारिया इस बीच बेहद इमोशनल होते हुए भी नजर आए। उनके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू नजर आए। उन्होंने बताया कि किस तरह से कैसे कैसे लोग बिग बॉस के घर में मौजूद हैं। यहाँ पर वो नेजी, कृतिका मलिक और साई केतन राव का नाम लेते हैं और कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोग फिनाले में पहुँच गए हैं, टॉप 5 में पहुँच गए हैं, और जिन लोगों ने मेहनत की थी उन्हें बिग बॉस ने बाहर निकाल दिया। मेरा इविक्शन बहुत अनफेयर था, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि मुझे बाहर फैंस का इतना ज्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है। जब मैं बाहर आया बिग बॉस के घर के, तो मैंने देखा फैंस मुझे जमकर सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं लवकेश कटारिया के इविक्शन को लेकर, उनके इस ब्लॉग को लेकर? कमेंट करके दोस्तों बताइएगा जरूर। इसी तरह टीवी और बॉलीवुड से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको देते रहेंगे, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे फेसबुक के पेज को भी फॉलो करें।